कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11 मई और अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30। मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ है और आज मैंने टिकटॉक पे एक वायरल रेसिपी चल रही है वो मैंने ट्राई की, काफ़ी अच्छी बनी थी। मतलब कि हाँ अच्छी बनी थी, बुरी तो नहीं बनी थी, बट ये कि मैंने थोड़ी सी अलग ट्राई की। मतलब कि उसमें कुछ और क्या बोलते थे, बट मैंने कुछ और बनाया। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि वो क्या वायरल रेसिपी है, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए बॉईल किए हुए और एक साइड में मैंने आटा लगा कर रखा है और मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची क्रश करके रखी है। तो आलू को पहले मैं स्मैश कर लूँगी। जब आलू मैश हो जाएंगे तो उसमें फिर मैं अदरक लहसुन और ग्रीन चिली जो क्रश करके रखी वो डाल दूँगी। तो जो मैंने आटा लगाया ना उसके अलावा आप मैदे का भी कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो दिखाया था ना उसमें बस जो लास्ट की प्रोसेस है वो दिखाई थी, कौन सा आटा लिया वो भी नहीं, और ये आपने जो अंदर का मिश्रण है वो कैसे बनाया वो भी नहीं दिखाया था, जस्ट लास्ट की प्रोसेस दिखाई थी। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से किया है। इसमें मैंने फिर जीरा पाउडर डाली, हल्दी पाउडर, नमक डाला और थोड़ा सा चाट मसाला, और अच्छे से अभी ये मिक्स कर लूँगी। तो इसलिए आप फिर मतलब गेहूं का आटे भी ले सकते हैं या फिर आप मैदा भी ले सकते हैं। तो आज मैंने गेहूं का आटा लिया है, कल मैं मतलब जो नेक्स्ट वाला बनाने वाली हूँ उसमें मैं कुछ अलग करूँगी, तो वो मैं उसमें शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया और उसमें क्या डाला है वो। तो यहाँ पर अभी आटा भी लग चुका है और ये अंदर का मिश्रण भी रेडी हो चुका है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रखा एक तरफ गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर, और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ जो मतलब मेन चीज़ है वो। तो ये देखिए अभी मैं एक हम जो रोटी बना लेते वैसे रोटी बना लूँगी नॉर्मली। तो रोटी बनने के बाद इसको हमें चौरस कट करना है एकदम अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे चौरस कट होने के बाद फिर इसको हमें कॉर्नर कॉर्नर से कट करना, मतलब कि नॉर्मली 4 कॉर्नर करने, ठीक है। फिर एक साइड में हमें भरना है जो हमने मिश्रण बना के रखा है आलू का वो, और जो वो साइड की लेयर वहाँ पे मतलब बीच बीच में कट करने, और ये नीचे वाले लेयर में मतलब आपने देखा है ना किस तरह से, और ये साइड की वो उसके ऊपर दबानी है जिससे कि वो पैक हो जाए। ये देखिए तो एक या ये साइड का एक वो साइड का ऐसे हमें पट्टियाँ लगानी है आटे की, जैसे कि वो जो पैटी से वो मतलब अच्छे कुरकुरित हो और उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बने। तो इसको जो कॉर्नर है उसे आप चम्मच से भी ऐसे दबा सकते जिससे कि और अच्छे से डिज़ाइन आए। उसमें उन्होंने वही किया था बट मुझे याद ही नहीं था। और इसको फिर मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया, और वैसे मैंने फिर दूसरे वगैरह भी बना दिए। तो इसको अच्छे से फ्राई होने दूंगी, तो मैंने मीडियम फ्लेम रखा था ताकि वो अच्छे से भी अंदर से भी अच्छे से पक जाए इसीलिए, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। जो नेक्स्ट वाला मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैं मटर और आलू दोनों लेने वाली हूँ, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है खाने में भी, बहुत यम्मी था पैटिस, ग्रीन चिली सॉस और वो पैटिस ज़बरदस्त दिख रहा है ना, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था और खाने में भी बहुत मज़ा आया। तो आप भी ज़रूर बना के खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। तो देखा आप लोगों ने, तो टिकटॉक पे नहीं चल रहा है तो इसमें क्या अलग था ये मैं बता देती हूँ। उसमें आलू और मटर भी थे, तो मेरे पास मटर नहीं थे इसलिए मैंने मटर नहीं डाले। देन वो जो आटा था ना रोटी का लगाया हुआ वो मैंने मतलब क्या बोलते हैं पतली रोटी बनाई थी, वो थोड़ी जाड़ी थी, और उसमें ओवा भी डाला था, मतलब कि क्या बोलते अजवाइन, वो आटे में अजवाइन भी थी, तो वो मैंने नहीं डाली थी। तो आप जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, जबरदस्त बनी थी एकदम। तो कुरकुरित जो नाश्ता रहता है ना, अगर आपके पास कुछ नाश्ते के लिए ऑप्शन नहीं ना, तो एकदम कुरकुरित नाश्ता था जो कि बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी, और बहुत टेस्टी बना था। और ये टिकटॉक पे आज तो वायरल हो रहा है, मैंने ट्राई की थी। तो इसका जो रियल वर्जन है ना वो भी मैं बनाने वाली हूँ, और वो मैं मराठी चैनल पर शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरा मराठी चैनल देखते होंगे इंडियन मॉम प्रणो तो ज़रूर देखिएगा। तो ये जो मैंने ट्राई की थी इसमें मैंने कहा मेरे पास मटर नहीं, लेकिन मेरे को आज ही वो बनानी थी इसलिए मैंने वो बनाई, और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब ट्राई करेंगे तो ये ट्राई कीजिए, उसमें मटर भी डालिए, और जो मतलब हमारा जो रोटी का आटा लगता है ना नॉर्मली सेम वैसा ही लगाते, सिर्फ रोटी जो है ना वो थोड़ी जाड़ी बनाइए, मैंने थोड़ी पतली बनाई थी, और उसमें हो सके तो अजवाइन डालिए, नहीं डाली तो भी चलेगा, बहुत टेस्टी बनता है रेसिपी। मतलब आज में जो मैंने बनाया ना वो भी बहुत टेस्टी बना था, तो ज़रूर बना के खाइए, एकदम कुरकुरित नाश्ता था, तो मज़ा आ गया। और राज को भी पसंद आया, राज को मैंने खिलाया ना उनको भी पसंद आया, वो भी बोले थे मस्त बना, एकदम कुरकुरा लग रहा है। और हाँ आज आपने जो स्टार्टिंग में फोटोज देखे ना
वो अयांश की फोटो है, अयांश जियो की तन्वी मोहित जो मेरे एक व्यूअर है, तो उनके बेटे के ये फोटोज है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरा आज का ब्लॉग है 11 तारीख का, ये 13 तारीख को आने वाला है। मतलब कल मैं परी का इसका डाइट चार्ट वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ, हो सके तो, और परसों ये वाला ब्लॉग आएगा, मतलब कि 13 तारीख को। तो 13 तारीख को अयांश का बर्थडे है 6 मंथ का, मतलब हाफ ईयर का। तो तन्वी मोहित ने मुझे कहा था कि आप मतलब कि चैनल पे उसके फोटो शेयर कीजिए, और उन्होंने मुझे आयांश के कुछ फोटोज भेजे थे, तो जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा तो क्यूट है ना आयांश। तो आयांश आज मतलब कि 13 तारीख को 6 महीने का कंप्लीट हो गया है, तो उसका आज हाफ ईयर बर्थडे है लॉकडाउन में। और एक बात की, मेरी जो एक और एक व्यूअर है नीलम सोनावने, उनका बेटा है दक्ष, उसको आज मतलब कि 11 तारीख को 2 साल कंप्लीट हो गए। वो 2 साल मतलब उसका आज बर्थडे है, सेकेंड बर्थडे है, तो वो तो आज ही है 11 तारीख को। तो हैप्पी बर्थडे आयांश और दक्ष दोनों को भी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बर्थडे मतलब मैं शूट कर रही हूँ जिस दिन, उस दिन दक्ष का बर्थडे है, और जिस दिन ये वीडियो आने वाला है उस दिन आयांश का बर्थडे, इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं एक ही वीडियो में शेयर कर दूँ। तो दक्ष के भी फोटोज हैं मेरे पास, बट मुझे नीलम जी ने कहा बताया नहीं शेयर करना है कि नहीं, जिसमें मैं नहीं कर सकती बिना पूछे, और तन्वी जी ने मुझे कहा था कि मैं शेयर करूँ फोटो, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए। तो हैप्पी बर्थडे दक्ष और आयान, आप दोनों को भगवान हमेशा खुशियाँ दे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो हैप्पी बर्थडे अगेन, और तो लॉकडाउन में घर में मस्त बर्थडे सेलिब्रेशन करिए दोनों भी। और क्या, हाँ अभी राज गए नीचे, मैंने उनको बोला मटार मिली तो मटार ही लेकर आओ, तो जस्ट अभी राज का फोन आया था, वो नीचे गए, मैंने कहा ना, तो हमारे यहाँ पे ना किसी भी एटीएम में कैश ही नहीं है, तो अभी कैश भी खत्म हो गई हमारे यहाँ पे। अब दूध वाला ना पेटीएम या गूगल पे नहीं लेता है, तो उसके पास कैश भी देनी पड़ती है। तो फिर राज बोले थे कि किसी भी एटीएम में कैश नहीं है, और राज ये बोले थे कि मैं देखता हूँ चिकन वाला, अगर गूगल पे या ये लेता हूँ तो चिकन लेकर आता हूँ, तो पता नहीं देखते। और अभी मुझे नहाना बाकी है, झाड़ू वाड़ू मार के हो गया है, मतलब बहुत सारे काम हो गए, बस खाना बनाना है, नहाना है और कपड़े धोने, बाकी सब हो गया है। तो बस वही, और परी जी सोई है 9:30 बजे, परी का ये सोने का टाइम रहता है, परी का भी मस्त टाइम हुआ, सुबह एक बार उठती है, 1.5 घंटा खेलती है, नाश्ता करती है, और उसको नहा दिया ना फिर मस्त सो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। है ना, फिर बस सो जाती है, फिर परी जब सो जाती है ना तो उस टाइम पर मैं कुछ काम कर लेती हूँ और नहावा के ले लेती हूँ। फिर जब परी उठ जाती है ना 10:30-11 बजे के आस पास उठती, 10:30 बजे ऑलमोस्ट उठती वो, जो उसका टाइम हो अकॉर्डिंग, तो 10:30 बजे परी उठ गई क्या, फिर कोई नहीं, उसके साथ दोपहर को खेलो, फिर दोपहर को सोती हो डायरेक्ट, मतलब जब उसको नींद आने लगती उस टाइम पे, तो तभी सोती होती 1-2 घंटा, तो बस फिर डायरेक्ट रात को, तो अभी ज़्यादा ये नहीं है, उसके साथ खेलने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो बस वही, तो राज गई नीचे और परी खुश हो गई, तो मैं जो भी मेरे थोड़े बहुत काम बाकी वो कर लेती हूँ, और आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। ता का खाती तू, बनाना? टिंग टिंग परी चुन परी चुन परी अ अ अ अ वेरी जॉन नोज परी वेरी जॉन नोज वेरी जॉन नोज पच्ची 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 3 सुबह के बाद फिर से मैंने शूट नहीं किया कुछ भी, परी उठी थी, फिर मैं काम कर रही थी, नहाई, परी के साथ खेल रही थी, बीच में एक दो बार हमारे यहाँ पे लाइट भी गई थी, तो फिर उसमें कुछ शूट नहीं किया। और राज नीचे से जब ऊपर आ रहे थे, मतलब नीचे गए थे, तो चिकन लेकर आए थे, तो फिर राज ने चिकन बनाया था, तो उसकी रेसिपी भी शूट नहीं की, क्योंकि मतलब राज बोले थे रहने दो कुछ मुझे शूट कर, तो इसलिए नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार डेली क्या शूट करके बताने, इस वजह से। और सुबह मैंने जो आलू उबाले थे ना, उसमें गए एक और रहा है, वो शाम को कुछ बना के खाएंगे, तो चिकन है थोड़ा और शाम को देखेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत वीडियो का काम करना है और बाकी कुछ नहीं, लेकिन राज मुझे बोल रहे कि फोन साइड में रख दो अभी,
और अभी 3 बजे तो मैं सोच रही 3 से 5 बजे तक मैं फोन साइड में रहूँ, क्योंकि वैसे हम 2 से 4 रख रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन आज दोपहर को 2 बजे लाइट गई थी और अब 3:45 आई, तो इस वजह से फिर तभी लाइट गई थी, तो क्या करेंगे ना, इसलिए मोबाइल से हाथ में। मैं अभी मोबाइल साइड में रखने वाली हूँ और देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। और राज देख रहे हैं क्या, मुझे लगता है महादेव, अभी जब से हमारा वाईफाई लगा ना, राज महादेव गणपति बप्पा क्या वो कितने सीरियल ना, मतलब जो पुराने पुराने भगवान के जो जो बाकी रह गए होंगे ना, राज मिस किए होंगे ना, वो सारे देख रहे हैं। मुझे लगता है एक सीरियल तो राज ने पूरी खत्म कर दी, मतलब दिन के मुझे लगता है 20 से 25 एपिसोड राज देख ही लेते, उतना वो देखती रहती मैं अपनी घर से। अभी भी वही सब चल रहा है, पहले चल रहा है, तो बस वही। और परी मैडम सोई है अभी, क्योंकि लाइट गई थी ना दोपहर को, तो इस वजह से तभी नहीं सोई, वो अभी सोई है, तो बस वही। तो अभी मैं फोन चार्जिंग में रख देती हूँ और शांति से बैठती हूँ, देखते हो क्या कुछ अच्छी सी मूवी वगैरह लगाने के लिए बोलती हूँ, जिससे कि हम दोनों टाइम स्पेंड करें अपना। जैसे कि हमने सोचा कि दिन में 2 घंटे फैमिली टाइम रहता है, तो परी उठेगी तो परी के साथ जैसे भी हुआ, तो बस वही। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का मैं ये पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।